दोस्तों कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपका जो ड्राइंग है वो थोड़ा धीरे बनाने के लिए, मतलब स्लो बनाने के लिए। तो आज का वीडियो जो है मैं इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा, इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जब ड्राइंग को बनाते हैं उसी टाइम पे वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग पूरे जो वीडियो है इसको अपलोड नहीं कर पाते हैं और हम लोग इसको टाइम लैप्स बनाते हैं। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत ही स्पीड हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक एक पार्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं हेयर का जो ड्राइंग है वो मैं प्रॉपरली आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और शेडिंग कैसे करना है, ड्राइंग कैसे करना है वो मैं पूरा बताऊँगा। और मैं फ्री हैंड ड्राइंग करूँगा, कोई भी प्रोपोर्शन का यूज़ नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों टेबल पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आउटलाइन को बना लूँगा किसी भी मेजरमेंट का यूज़ ना करते हुए। और जिस पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टेडलर का पेंसिल, 6B पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं फ्रंट फेस का जो हेयर्स है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो पहले मैं आप लोगों को आउटलाइन का जो ड्रॉइंग है वो करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग देखिए अच्छे से। आउटलाइन का ड्राइंग हो जाने के बाद इसको कैसे शेडिंग करना है अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग ध्यान से देखना ये वाला वीडियो लास्ट तक। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हेयर्स को ड्रॉ करने में। तो दोस्तों आउटलाइन का जो ड्राइंग है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग शेडिंग बनाएंगे बालों में। और इसके लिए जितना डार्क पेंसिल हो सके उतना डार्क पेंसिल यूज़ कीजिए आप लोग। मैं यहाँ पर 6B, 8B और 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और मैकेनिकल पेंसिल भी मैं यूज़ करूँगा थोड़ी थोड़ी जगह पर। बहुत सारे बिगिनर्स को मैंने देखा है साइड के जो बाल है जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ उस तरीके से आप लोग दीजिए। किसी भी एक डायरेक्शन पर आप बालों को मत दीजिए, एक एक डायरेक्शन पे एक एक बालों को दीजिए। हर एक बालों को एक साइड में अगर दे देंगे तो ड्राइंग जो है अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग जिस भी पिक्चर से आप बना रहे हैं ड्राइंग उस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद ड्राइंग कीजिए। और दोस्तों जिस जगह पे शाइन है उस जगह पे आप इरेजर का यूज़ कीजिए। नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं या टोमोमोनो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टोमोमोनो इरेजर के भी यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ऊपर के बालों को करने से पहले आप लोगों को देखना होगा कौन से साइड पे लाइट है, लाइट आ रहा है कौन से साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड को आपको डार्क करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बालों में अगर डेप्थ होता है तो डेप्थ पोर्शन पे आपको डार्क करना है। बालों के जो शाइन्स है वो हम लोग टोमोमोनो इरेजर का यूज़ करके देंगे। दोस्तों आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं आप लोग। और फेसबुक लिंक भी है वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं।
वहाँ पर फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहूँगा और अच्छे अच्छे ड्राइंग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों जल्दी से फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बालों का जो शेड है कितना रियलिस्टिक लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग इस प्रोसेस का यूज़ करके आप आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। और मैं अभी आईब्रो और आँखों में थोड़ा डार्क कर दूंगा ताकि पिक्चर जो है थोड़ा अच्छा लगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहे।